फर्स्ट करवा चौथ की बात आती तो फिर नेल्स करवाना तो बनता था, तो दो दिन पहले मैंने करवाई नेल्स, उसके बाद मैंने लगवाई मेहंदी। और मेहंदी मैंने एक दिन पहले रात को लगाई थी, तो मेरे को काफ़ी घर आते थे, लेट हो गया था तो खाना भी मैंने लेट खाया था, तो सुबह सुबह 4 बजे उठी मैंने सबसे पहले पिया पानी, और फिर उसके बाद मेरे को खाना खाने का बिल्कुल भी मन नहीं था, बट क्योंकि ये शगुन है तो फिर ससुराल से आया था फैनी और एप्पल, मैंने थोड़ा सा ही खाया। उसके बाद मैंने अपनी मेहंदी का कलर देखा तो ज़्यादा कोई कलर नहीं आ रखा था। देन सुबह उठ के नहा के मैंने ये सूट पहना जो कि मेरी शादी का था, पर मैंने करवा चौथ पर सिलवाया क्योंकि ज़्यादा हैवी भी नहीं था। तो ऐसे ही मेरे दिन की स्टार्टिंग हुई, नहा धो के आराम से मैंने ये अच्छा सा पिंक कलर का सूट पहना। फिर दिन में मैं गई अपने बाल कर्ली करवाने के लिए, जो कि मतलब इतनी ज़्यादा भीड़ थी सैलून में, बट स्टिल मैंने कर्ली करवा के घर आई। और फिर मेरे को घर के नीचे बच्चे मिल गए, तो मेरे को लहंगा गाड़ी से निकाल के ऊपर लेके जाना था, इनसे चढ़ भी नहीं रहा था बट इन्हें ही उठाना था, ये मुझे उठाने ही नहीं दे रहे थे बच्चे कि नहीं हम उठाएंगे उठाएंगे। तो फिर लहंगा हम लोग ऊपर लेके आए घर पे, देन मैंने थोड़ा सा रेस्ट किया और फिर मैंने अपने बाल बाल देखे, तो मेरे बाल अभी काफ़ी टाइट थे तो मेरे को अभी खोलने नहीं थे, तो जब तक शाम होती तब तक ये अपने आप लूज़ हो जाते, तो मैंने इनको बिल्कुल भी लूज़ नहीं किया, अभी थोड़े टाइट हैं तो थोड़े सही लग रहे हैं, एंड शाम होते होते ये अपने आप खुल जाएंगे तो ज़्यादा अच्छे लगेंगे। फिर मैं दिखाती हूँ कि मैं क्या क्या लेके आई थी। तो मैं ये वाले बिछुए लेके आई थी, तो मेरे को ये स्टोन्स वाले बिछुए ज़्यादा अच्छे लगते हैं, तो मैंने यही ले लिए थे अपने लिए, एंड मम्मी के लिए थोड़े सिंपल से लिए थे। एंड शाम हो गई थी तो फिर पूजा का टाइम भी हो गया था, मैंने थोड़ा यहाँ पर साफ वाफ करके थोड़ा क्लीन वीन कर दिया था और थोड़ा डेकोरेट कर दिया था। तो ये करवे दो जो मेरे को पूजने हैं और मेरे ससुराल जाएंगे, यानी ससुराल से आया हुआ जो भी था मेरा, जो मुझे अपनी सास को देना था, ये सारी मैंने चीज़ें यहाँ पे रख दी थी पूजा के लिए, जो जो मुझे जैसा बताया गया था मैंने वैसा ही कर दिया था। तो ये पूरा मैंने अब लगा दिया है, अब मम्मी वगैरह सब आ जाएंगे तो अब हम पूजा स्टार्ट करेंगे। उससे पहले मैं थोड़ा रेडी हो जाती हूँ, तो मैं रेडी हो गई थी और मैंने गोल्ड वोल्ड पहना था, मैं कुछ ज़्यादा रेडी नहीं हुई थी, मेरे को होना ही नहीं था अभी क्योंकि मेरे को शाम को अपना लहंगा वहंगा पहन के रेडी होना था, तो मैंने गोल्ड वोल्ड पहन लिया था अपना, क्योंकि फिर अच्छा नहीं लगता कि मैं बिल्कुल भी थोड़ी बहुत रेडी नहीं हुई थी, पूजा के टाइम रेडी होना बनता है। तो मैंने वही सुबह वाला सूट पहन रखा था और अपनी शादी की दुपट्टा पहन लिया एंड बस, और गोल्ड के साथ ये कुछ ऐसा लग रहा है तो अच्छा लग रहा था। और मेरा लहंगा का कलर भी थोड़ा मैजेंटा में था, तो वो सूट भी कर गया था और मैच भी कर गया था सूट। तो मम्मी रेडी होके बैठ चुकी थी, तो मैं मम्मी को कह रही थी मम्मी थोड़ा सा इधर भी दिखा दो, अपना फेस दिखा दो, आप कैसे लग रहे हो, थोड़ा हाथ वेव कर दो, तो उन्हें शर्म आती थी तो उन्होंने बस वेव कर दिया ऐसे ही, बट वो ये कि वो बहुत शर्म आती हैं, तो बट ठीक है अच्छी लग रही हैं बहुत ज़्यादा। तो मैं बहुत ही ज़्यादा खुश थी अपनी पूरी फैमिली के साथ पूजा करने के लिए, मैं हमेशा इनको पूजा करते हुए देखती थी और कथा पढ़ती थी, बट आज ये सारी चीज़ें मैं खुद साथ बैठ के कर रही हूँ फर्स्ट टाइम, तो बहुत ही अच्छा लग रहा था। और फिर हमने पूजा वूजा करी और ऊपर जाके हमने शायद सूर्य को पानी डालते हैं तो वो सब किया, तो वो सब करने के बाद मैं फिर दोबारा नीचे गई और फिर मैं नीचे आके अपने पूरे बाल बाल सेट करने के लिए पूरी रेडी थी। फिर ये काफ़ी लूज़ भी हो गए थे, तो बस मेरे को अपनी फिंगर्स से इन्हें ठीक करना था और थोड़ा मेकअप करना था, तो बस अब मैं मेकअप वेकअप करके अपना बिल्कुल तैयार होके मिलती हूँ। फिर मैं तैयार हो गई थी एंड मैंने अपना मेकअप वेकअप भी कर लिया था, बाल ज़्यादा लूज़ वूज़ भी नहीं हुए थे तो थोड़ा ठीक लुक लग रहा था। और मेरी आईज़ का मेकअप ज़्यादा मैंने नहीं किया, बट हाँ मुझे ग्लिटर विटर ठीक है अच्छा लग रहा था, मेरे को ज़्यादा बहुत ज़्यादा भी नहीं ऐसा ज़्यादा मेकअप दिखना था, मैं थक इतना गई थी, बट स्टिल मैंने फिर भी मेकअप वेकअप करके रेडी हुई एंड थोड़ा बहुत गोल्ड तो मैंने नहीं पहना था, बस मंगलसूत्र और हाथ में मेरे बैंगल्स ही थे और बाकी मैंने ऐसे अपने आर्टिफिशियल ईयरिंग, मेरी पूरी लुक कुछ ऐसी लग रही थी। लहंगा बहुत ही सुंदर लग रहा था और बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था, तो मुझे बहुत ही अच्छी फील आ रही थी, इतने में चांद भी निकल गया था। तो बस अब हम पूजा करने के लिए ऊपर गए एंड मुझे सारा पीछे से इंस्ट्रक्शन मिल रहा था क्या क्या करना है, और मैंने पहले चांद को देखा छन्नी से, तो मैं सारा मतलब मैं पहले भी देख चुकी हूँ बट स्टिल याद नहीं रहता अपने टाइम पर, थोड़ा सा डर भी जाता है इंसान ना। तो फिर बस फिर मैंने अपने हस्बैंड को देखा छन्नी के थ्रू, जो बड़ा फ़नी लग रहा था, साथ में सब खड़े होकर देख रहे थे तो और ज़्यादा हंसी आ रही थी, बट बहुत ही ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस था फर्स्ट करवा चौथ, मुझे बहुत ही अच्छा लगा। और फिर मैंने चांद की आरती उतारी जो मुझे पीछे से इंस्ट्रक्शन मिल रहे थे, फिर मैंने मेरे को बोला फिर अपने हस्बैंड की उतारो, तो फिर मैंने अपने हस्बैंड की आरती की, तो मतलब मुझे हंसी बहुत आ रही थी और उन्हें भी बहुत ज़्यादा हंसी आ रही थी, बट अच्छा लग रहा था सब बहुत करना। एंड देन उन्होंने मेरे को बोला फिर चांद को पानी देने के लिए, फिर मैंने पानी दिया,
और बहुत ही मतलब बहुत मेस्मराइजिंग मोमेंट था, मेरे को बहुत ही ज़्यादा मतलब अच्छा लग रहा था उस टाइम पे, एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी बट वो बहुत ज़्यादा अच्छी फीलिंग थी। फिर उसके बाद मेरे हस्बैंड को बोला कि अब तुम इसे पानी पिलाओ, देन उन्होंने मुझे पानी पिलाया एकदम से हाथ आगे करके, पता नहीं क्या था वो, बट एकदम से पानी वानी पिला के फिर मैंने उनके पैर वैर छुए, थोड़ी शर्म आ रही थी सबके सामने बट अच्छा एक्सपीरियंस था। उन्होंने मुझे खिलाया एंड देन मतलब वो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, मेरी लाइफ का फर्स्ट और बहुत ही ज़्यादा अच्छा मोमेंट, मतलब फर्स्ट टाइम कैसा फील होता है वो बस जिनके साथ हुआ है वही जानते हैं। तो बस फिर मैंने उनके पैर वैर छुए और बस ऐसे ही हमारा करवा चौथ का व्रत खुल गया। एंड भूख इतनी ज़ोर से लग रही थी कि मेरे को इतनी जल्दी थी, मेरे को नीचे ले जाओ और खाना खिला दो, बस बस खाना भी मत खिलाओ तो पानी पिला दो बस थोड़ा सा। बस अब नीचे जाके मैंने जल्दी से खाना खाया, मैंने थोड़ी सी खीर भी मांग ली थी एंड पेप्सी भी ले ली थी। एंड नीचे जाके मैंने थोड़ा तो ट्वर्ल वर्ल करके फ़ोटोज़ वोटोज़ ली, उसके बाद बहुत अच्छी पिक्चर्स आई थी। एंड ऐसे ही हमारा दिन ये ख़त्म हुआ है ना। आई होप आपको ये मेरा फर्स्ट करवा चौथ पसंद आया हो। एंड लास्ट में मेरी मेहंदी इतनी डार्क हो गई थी मैं सोच भी नहीं सकती थी। बस सब ख़त्म होने के बाद कुछ ऐसा हाल हो गया था मेरा, मतलब इतना थक गई थी कि बुरा हाल हो चुका था। एंड इस टाइम पे तो मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था और मैं ऐसे ही सो गई।